बढ़िया कार्यक्रम आप सभी ने सुना है और उधर से कार्यक्रम का विराम हो चुका है। तो जवाबी के विषय में अब कुछ शेष नहीं बचता है, संपूर्ण रात्रि आप सभी ने सुना है। अब चूंकि जवाब लिखा गया था तो दो पंक्तियां मैं पढ़ दे रहा हूं। अरे कभी बेखुदी तो कभी इल्तिजा, ऐसा नहीं है। संख्या भी संख्या पर्याप्त तो बची हुई, इतनी संख्या तो अर्धरात्रि में भी नहीं रहती, लेकिन आप लोग बने हुए हैं। कभी बेखुदी तो कभी इंतजार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, आंखों में नींदे ना दिल में करार, अरे आंखों में नींदे ना दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। बढ़िया सामाजिक गीत था आपका, जा रहे हो का? चले जाओ, ऐसा ना करो, हम भी साथ में चलेंगे। अच्छा तू पहिया से आओगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जीवन सुखमय हो, माता भगवती आशीर्वाद बनाए रखे। हमारे नागेंद्र जी बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, निवेदन करूंगा उनको जाने दीजिए, ध्यान आप इधर आकृष्ट कीजिए। कि आंखों में नींदे न दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार। अभी आप सुनेंगे पंक्तियां, आपने बढ़िया सामाजिक गीत महंगाई के ऊपर आपने दिया है, आप सभी ने सुना है, अच्छा गीत है आपका। बीस का है पानी और दस की है चाय, बीस का है पानी और दस की है चाय, महंगाई डायन ने क्या दिल दिखा। बढ़िया बात है, लेकिन हमेशा विजय भैया सिक्के के दो पहलू होते हैं, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। बड़े भैया सिक्के के दो पहलू कैसे होते हैं? सही बात है, महंगाई आज चरम पर हो रही है, लेकिन एक बात यह भी है कि पहले तनख्वाह 10,000 थी, अब तनख्वाह 50,000 है। तमाम सारी बातें हैं, लेकिन एक बात मात्र दो लाइन पढ़ूंगा गोपाल भैया, सामाजिक ही होगी तो दो लाइन। आज कलयुग के इस काले युग में, कलयुग के इस काले युग में लिपि पुति अंगनाई कौन तलाश रहा। बड़े भैया कलयुग के इस काले युग में लिपि पुति अंगनाई कौन तलाश रहा, और फिल्मों के इस काले दौर में, फिल्मों के इस काले दौर में तुलसीदास जी की वो पावन चौपाई कौन तलाश रहा। बड़े भैया आज हम आप, चाहे हम हो चाहे आप हो, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, पहले एक में एडमिशन होता था प्राइमरी में, अब LKG में UKG में एडमिशन होता है, सीधे इंग्लिश मीडियम में बच्चे का एडमिशन होता है। अब इंग्लिश मीडियम जब जाएगा बच्चा
तो फिर वो रामचरितमानस कैसे जानेगा बड़े भैया, तो कैसे जानेगा? इसलिए भले हम भी पढ़ाएं आप भी पढ़ाएं इंग्लिश मीडियम में, लेकिन जब वो घर आए तो उसको ये जरूर बताएं कि बेटा ये रामचरितमानस है, ये श्री रामचंद्र जी का चरित्र है और ये उनके पिता दशरथ जी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यही होगा। पहले गुरुकुल हुआ करते थे बड़े भैया, शिष्य छात्र जो थे वो लेट कर दंडवत प्रणाम करते थे। थोड़ा सा आगे समय बढ़ा, झुक के चरण स्पर्श करने लगे, और समय बढ़ा, गांठ तक पे चरण छूने लगे। आज महाराज कमर पे पांव छूते हैं, गुरुजी प्रणाम। अब बताइए यहाँ कौन पैर रखा है? कमर पे छूते हैं। आप मोबाइल में इस दौर में देखिए वीडियो वायरल होता रहता है, तो इसलिए कहना हुआ। पहले राम रामो अब बड़े भैया, पहले राम रामो अब होता टाटा बाय। पहले राम राम होता था, प्रणाम होता था। पहले राम रामो अब टाटा बाय, आज के इस दौर में सब गए भुलाए। तो हंस हंस चुने तिनका कौआ मोती खाए, हंस चुने तिनका और कौआ मोती खाए, आज के इस दौर में सब गए भुलाए। पहले होता राम राम अब टाटा बाय, आज के इस दौर में सब गए भुलाए। आज के इस दौर में सब गए भुलाए, आज के इस दौर में सब गए भुलाए। तो इसलिए चूंकि कीर्तन एक संदेश है, शाब्दिक आनंद है, अपने बच्चों को अपने धर्म ग्रंथ भी पढ़ाएं और उनको अच्छे संस्कार दें। आप न्यूज़पेपर उठा करके देखिए भाई साहब, आप सभी लोग यहाँ पढ़े लिखे उपस्थित हैं, न्यूज़पेपर उठा करके देखिए। लखनऊ का मामला था, पिता ने मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, विदेश चला गया पढ़ने। जब माता का देहांत हुआ तो विदेश से छोटा भाई आया, तो पिताजी ने कहा कि बेटा ये बताओ बड़ा क्यों नहीं आया? तो जानते हैं क्या जवाब दिया उस छोटे बेटे ने? कहा कि पिताजी, बड़े भैया ने कहा कि माताजी गई गुजर गई हैं, तुम चले जाओ, जब पिताजी गुजर जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये पेपर में आया था, सच्ची घटना है। उस पिता ने किया क्या? अपनी पिस्टल उठाई, खुद वहीं आत्मदाह कर लिया और कहा कि उससे कह देना कि अब वो भी चला आए। तो ये अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो यही होता आएगा। पहले राम रामो अब टाटा बाय, आज के इस दौर में सब गए भुलाए। आज के इस दौर में सब गए भुलाए, आज के इस दौर में सब गए भुलाए। प्रेम से बोलिए माता पिता की जय हो। आइए, ये मेरी पसंद का गीत है गोपाल भैया, एक विदाई गीत, मुझे भी अच्छा लगता है। आप सभी लोग सुनिएगा और मैं विश्वास दिलाता हूं कि भोर की बेला में सभी की आंखें नम हो जाएंगी। फिल्मी टुकड़ा कह रहा है क्या कि एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। प्यार नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। निवेदन करूंगा, संपूर्ण रात्रि आप सभी ने सुना है कार्यक्रम को, थोड़ी देर के लिए संयम बनाएं और इस गीत को भाव से सुनिएगा। इसके बाद चार पंक्तियों में हमारे सम्मानी स्वर्गीय परम आदरणीय श्री बबलू श्रीवास्तव जी, जो कि इस कार्यक्रम के संस्थापक रहे, उनके विषय में श्रद्धांजलि स्वरूप, उसके बाद कार्यक्रम का विश्राम होगा। एक पिता, दादाजी दातून थोड़ी देर बात कर लीजिएगा, एक पिता जो होता है
एक पिता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा पिता प्रेम करता है तो बिटिया से प्रेम करता है। एक पिता उसकी बच्ची की बारात आई और जब विदाई की बेला आई तो वो दुल्हन सज करके अपनी अंगनाई में खड़ी है, सज करके अंगनाई में खड़ी है, माँ खड़ी है दुल्हन के बगल, बहन खड़ी है, सखियां खड़ी है, छोटा सा भाई है वो खड़ा है, लेकिन पिताजी को ढूंढा जाने लगा तो पिताजी कहीं नहीं मिल रहे हैं, पिताजी कहीं नहीं मिल रहे हैं। और माँ ने कहा अपने छोटे से बेटे को कि बेटा जा करके पिताजी को ढूंढ करके लाओ, क्योंकि विदाई होने वाली है और दीदी विदा होने वाली है। जब वो बेटा पूरे घर में ढूंढने लगा पिताजी को कहीं नहीं पाया, तो जब गया पूरे घर में तो पिताजी सबसे पीछे वाले कमरे में बैठे थे, सबसे पीछे वाले कमरे में बैठे थे, अकेले में रो रहे थे। चूंकि सब तो सामने रो सकते हैं लेकिन बाप सामने से नहीं रो सकता। जब वो बेटा गया कहा पापा मम्मी बुला रही है, दीदी की विदाई होने वाली है, अपने बेटे को बाहों में भर के वो बाप दहाड़े मार के रोने लगा। और जब आकर के देखा आंगन में तो उसकी बिटिया जो दुल्हन बन के खड़ी है उसको देख करके वो मूर्छित हो गया। और जब संभला तो अपनी बेटी को अपने बाहों में भर के कह रहा है बिटिया, सज धज के खड़ी बिटिया घर की अंगनाई में तो छलक उठे है आंसू बेटी की विदाई में, छलक उठे है आंसू बेटी की विदाई में, छलक उठे है आंसू बेटी की विदाई में। और यकीन मानिए गोपाल भैया, आप घर जाएंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि पुत्र से पिता से पुत्र प्रेम नहीं करता, लेकिन आप घर जाएंगे तो बिटिया आप जो भी लेते होंगे, अगर गर्म पानी लेते होंगे तो सबसे पहले वो गर्म पानी लेके मिलेंगे। वो बाप आज रो रहा है, कह रहा है बेटा नाचो से पाला जिसे गुड़िया सा सजाया था बाहों के झूले में, तुझे आज से तू मेहमान हो जाएगी, दिन कैसे गुजारेंगे हम तेरी जुदाई में, तो छलक उठे आंसू बेटी की विदाई में, छलक उठे आंसू बेटी की विदाई में, छलक उठे नहीं रहा गया, वो हट गया तो माँ आई और माँ कह रही बिटिया से कि बेटा कि नौ माह कोख में रख कर मैंने तुझको संभाला था, छाती का दूध पिला कर मैंने तुझको तो पाला था, वो छाती का दूध मैंने तुझको तो पाला था। तो बेटा आप यकीन मानिए 25 साल बिटिया को हम पालते हैं, और जब वो एक हफ्ते 10 दिन के लिए अपने ससुराल जाती है उसके बाद जब लौट के आती है तो बिटिया नहीं वो रिश्तेदार हो जाती है। जो माँ डांटती थी कि तुम ये नहीं कर रही हो वो नहीं कर रही हो, वही जब बिटिया अपने ससुराल से 10 दिन बाद वापस आती है तो माँ और बंधु बांधो जलपान लिए खड़े होते हैं। ये होता तो वो माँ कह रही है कि बेटा कि बस यादें ही रह जाएंगी,
घर की अंगनाई में उछल कूटे है आंसू बेटी की विदाई में, उछल कूटे है आंसू बेटी की विदाई में, उछल कूटे है आंसू बेटी की विदाई में। छोटा सा भाई रहता है, मजाल है कि बहन के सामने उसके भाई को कोई आंख दिखा दे, और मजाल है कि कोई किसी भाई के सामने उसकी बहन को कोई आंख दिखा दे। ये संभव नहीं है, भाई और बहन से पवित्र रिश्ता इस संसार में गोपाल भैया कोई नहीं। वो छोटा सा बउआ है, बहन कार में विदा होके जा रही है, पीछे पीछे गाड़ी के दौड़ रहा है। जब दौड़ रहा है तो जब दुल्हन ने देखा कि मेरा भाई दौड़ रहा है तो गाड़ी से कूद पड़ी और उठा लिया, तो भाई क्या कहता है जानते हैं बहना से कि बहना कि जब भैया बीच आए, जब आए रक्षा पर धर, भाई को याद करके चली आना तू मेरी बहन, भाई को याद करके बहना करटी का बांध देना, करटी का बांध देना, राखी तू कलाई में छलक उठे है आंसू बहना की विदाई में, उठे है आंसू बहना की विदाई में, अंतिम बात गोपाल भैया ये पंक्ति सुनिएगा। अंतिम बात वो सखियों उससे कहती है, क्योंकि सखी जैसे हमारे आपके मित्र होते हैं वैसे हमारी माताएं बहनें जो होती हैं उनकी सखियां होती हैं, तो जो बात माता पिता से बिटिया नहीं कह पाती वो अपने बीच में सखियों से कहती है। सखियां रो रही हैं कि आज के बाद हम किसके साथ खेलेंगे, तो दुल्हन ने एक सखी का हाथ पकड़ा और कहा बहना फिल्म में एक गीत बजता है, उसी गीत को आप सोचिएगा, आपको लगेगा कि विदाई हो रही है। क्या वो दुल्हन कह रही है अपने सखी से कि बहना कि देख तू ना अगर जाने अनजाने में तुझे कभी कुछ कह दिया हो तो माफ कर देना, लेकिन मुझे भुलाना मत। देख तू ना मैं भुलाना, माना दूर हमें है जाना, बहना मेरी अलहड़ सी अटखेलियां सदा पलकों बीच बिठाना, जब बजने लगे गाजे बाजे, जब सजने लगे साजे बाजे, उस दम तू यही समझना मेरी डोली उठी है फूलों वाली रे है। तू क्यों रोती है? सावन में बाबुल से कहना परदेश में है तेरी बहना, अब हम तो हुए परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। कि बहना माता पिता खड़े हैं, आ गले लग के मिल ले, अब हम तो ससुराल चले, तेरे आंगन में मेरे बाबुल बचपन अपना छोड़ चले, कल भी सूरज निकलेगा कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको नजर आएंगे पर हम ना नजर आएंगे, आ
आंचल में छुपा ले ना हमको, बाहों में छुपा ले ना हमको, अब हम तब ये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ये कलिया ये चौबारा यहाँ आना फिर दोबारा, अब हम तब ये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। ये था अपनी तरफ से विदाई गीत और एक बहुमूल्य गीत इस कार्यक्रम का, विदाई श्रद्धांजलि गीत हमारे परम सम्मानी इस परिवार के बड़े भाई। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वर्गीय हमारे सम्मानी श्री बबलू श्रीवास्तव जी बसुनी और हमारे श्रीवास्तव परिवार के लिए चंद पंक्तियां जो हम कलाकारों ने अपने भाव को प्रेषित किया है तो सुनिएगा। उसके पहले उसकी तर्ज सुन लें। सुनेगा गीत को, चूंकि श्रद्धांजलि गीत है तो उसी टाइप का फिल्मी गीत भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, कहते पुराने गीत नए लोग नहीं पसंद करते, पुराने गीत हमारे भाई साहब सभी ने पसंद किया, मैं देख रहा हूं अभी तो सुनिएगा। कि हमने सोचा आखिरी है ये सितम, चूंकि आपने आदेश दिया था तो चूंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा लिखा गया है, मैं बहुत अच्छा गा लूंगा, लेकिन एक भाव है दादाजी। हमने सोचा आखिरी है ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हर सितम ये सोच कर हम सह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बस कहना है चार पंक्तियां श्रद्धांजलि में कि आज आज जो हम लोग ये उत्सव हनुमान जी का मना रहे हैं, हमारे सम्मानी आदरणीय स्वर्गीय श्री बबलू श्रीवास्तव जी ने इस कार्यक्रम की नींव डाली और हनुमान जी महाराज मंदिर भी बनवाया, तो एक बार जोरदार उनके लिए तालियां आप सभी की तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। बस सुनिएगा। बीती यादों के सुनहरे पल गए, बड़े दुख के साथ ये मैं कह रहा हूं बड़े भैया, गलत कोई काट नहीं सकता। आदरणीय उमेश भैया हमारे दादा मस्ताना जी, यादें वक्त भुला देता है गहरे से गहरे जख्म को, वक्त भुला देता है गहरे से गहरे जख्म को, लेकिन कोई कमी उसकी पूरी नहीं कर सकता जो चला गया। मामा जी कोई कमी उसकी पूरी नहीं कर सकता, तो इसलिए कहना हुआ। बस एक लाइन सुन लीजिए बड़े भैया। बीत यादों के सुनहरे पल गए, अश्क आंखों से हमारे ढल गए,
प्रीत यादों के सुनहरे पल गए, प्रीत यादों के सुनहरे पल गए, अश्क आंखों से हमारे ढल गए, अश्क आंखों से हमारे ढल गए, अश्क आंखों से हमारे ढल गए। और आत्मा परमात्मा में लीन हो, हम लोग यही ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा में लीन हो, खुशनुमा माहौल भी गमगीन हो। संपूर्ण रात्रि हंसी मजाक हुआ, सभी के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन इस गाने में किसी के चेहरे पर हंसी नहीं आई, क्योंकि सबके दिल में हमारे भाई साहब रहते हैं, उनकी यादें रहती हैं। खुशनुमा माहौल भी गमगीन हो, हर दिलों को करके वो बिकल गए, हर दिलों को करके वो बिकल गए, अश्क आंखों से हमारे ढल गए, अश्क आंखों से हमारे ढल गए, अश्क आंखों से हमारे ढल गए। ये मैं कहता ना आदरणीय गोपाल भैया, लेकिन मजबूरी है मेरी कहने की। एक पिता के जीवन में, एक पिता के जीवन में अगर उसके सामने एक पिता अगर अपने, एक पिता अगर अपने बच्चे के सौ को अपना कंधा दे, इससे बड़ा पिता के जीवन में कोई दुख नहीं बना, कोई दुख नहीं होता। तो कहना हुआ, श्री दिनेश जी की आती याद है, पत्नी निरुपमा की यही फरी याद है, पत्नी निरुपमा की यही फरी याद है, पत्नी निरुपमा की यही फरी याद है, साथ छोड़ करके, साथ छोड़ करके सबको चल गए, साथ छोड़ करके वो सबको चल गए, अश्क आंखों से हमारे डल गए, प्रीत यादों के सुनहरे पल गए, प्रीत यादों के सुनहरे पल गए, प्रीत यादों के सुनहरे पल गए। ये पंक्ति पढ़ना बड़ा कठिन काम है बड़े भैया, लेकिन पढ़ रहा हूँ, क्षमा करिएगा आप सभी लोग, क्योंकि भाभी जी हैं, बिटिया है, बेटा है, बस इसके आगे मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं कलाकार की हैसियत से नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसके आगे क्या कहूँ, मैं भी एक पिता हूँ, मेरी भी दो पुत्रियां हैं, दो बच्चे। पिता का स्थान कोई भी संसार में नहीं ले सकता, ये तो ईश्वर की कृपा है। हमारे आदरणीय श्रीवास्तव परिवार में इतना प्रेम है, सभी लोग सौहार्द से रहते हैं। सुनिएगा, याद आते बबलू जी श्री वास्तव, कौन नहीं याद कर रहा, याद आते बबलू जी श्री वास्तव, सीमानी तू पत्नी उनके वास्तव, छवि लबी संतान दे कोमल गए, छवि लबी संतान दे कोमल गए, अश्क आंखों से हमारे ढल गए, प्रीत यादों के सुनहरे पल गए, प्रीत यादों के सुनहरे पल गए, प्रीत यादों के सुनहरे पल गए।
लेकिन ये भी विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि वो जहाँ कहीं भी होंगे अपने इस पूरे परिवार पर उनका पूरा आशीर्वाद है। तो सुनिएगा, पिंटू श्रीवास्तव और अंजलि शुभ सुवन और सीवी है लाडली, शुभ सीवी शुभ सुवन और सीवी है लाडली। और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि देख के अपना सारा देखो वो बल गए, अपना आशीर्वाद देकर आंखों अश्क आंखों से हमारे ढल गए, दीति यादों के सुनहरे पल गए, दीति यादों के सुनहरे पल गए, दीति यादों के सुनहरे पल गए। और अंतिम पंक्तियां, पत्नी स्वाति और श्री गोपाल जी, पत्नी पत्नी स्वाति और श्री गोपाल जी, गगन तानिया के जो प्रतिपाल जी, उनकी यादों का चिराग आज भी जल रहा आप सभी के माध्यम से। तो उनकी यादों में, उनकी यादों में दीपक जल गए, उनकी यादों में दीपक जल गए, बीती यादों के सुनहरे पल गए, अश्क आंखों से हमारे ढल गए, अश्क आंखों से हमारे ढल गए, अश्क आंखों से हमारे ढल गए। बस ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा, जहां कहीं भी हूं ईश्वर सदगति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। और मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है।